पवई तालाब परिसर में लगातार फैलती हुई गंदगी से लोग परेशान। पवई तालाब परिसर में लगातार फैलती हुई गंदगी और बढ़ते हुए मच्छरों की संख्या से स्थानीय लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जमा हुआ कचरा और उसके वजह से फैली हुई गंदगी, इसके वजह से उस परिसर में तरह तरह की बीमारियाँ फैलती जा रही है। इस तालाब में मगरमच्छों का भी आना जाना रहता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों में दहशत फैली हुई है। इस परिसर में प्रेमी जोड़ियाँ भी बैठी रहती है, जिसके वजह से बड़े बुजुर्ग और बच्चों को वहाँ जाना सही नहीं लगता। ये परिसर कई लोगों के लिए दारू पीने और जुआ खेलने का अड्डा भी बन चुका है। पवई तालाब की स्थिति बहुत ही बेकार है और उस पर खासदार, आमदार और नगर सेविका का जरा सा भी ध्यान नहीं है। हमारे रिपोर्टर प्रणव नाइक ने वहाँ के स्थिति का मुआवजा किया। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। सर, यहाँ के जो नगर सेवक है उनका एक देखते कुछ ध्यान नहीं है। सर, काफ़ी साफ सफाई तो रहती है, लेकिन आए दिनों क्या हो रहा है कि साफ सफाई सब कुछ सारे अच्छे दो चार दिन में, दस दिन में करते हैं, कभी कभी पत्ते पत्ते पौधे सारे, और हाँ इनकी साफ सफाई तो होनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये हमारे मुंबई का दिल कहा जाता है, जिसके हिसाब से साफ सफाई हो तो ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे देखते हैं कि आप कुछ असली करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, यहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत गंदी चीज़ है।